नमस्कार दोस्तों, इसमें नंबर रीजनिंग के नंबर सीरीज दिए गए हैं जो कि 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है, इसमें एक ओड नंबर एक फाइंड करना है, सेकेंड में भी ओड नंबर फाइंड करना है, लेकिन थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ फिल ए ब्लैंक है, यहाँ पर भरना है। जो नंबर आएगा इस सीरीज में उसे फाइंड करके यहाँ इसका पूरा वैल्यू लिखना है। तो चलो एक किस तरह से निकालते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन को हम यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 7 है, तो 7 के बाद 4 है, तो इसमें कुछ 0.05 का एडिशन हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले करते हैं 0.5 का एडिशन और गुणा दोनों हो रहा है। 0.5 का गुणा करेंगे और 0.5 का एडिशन भी करेंगे, जोड़ भी करेंगे। तो 7 में करके देखते हैं, 7 में करेंगे, जो 7 है इसमें करेंगे 0.5 का गुणा करेंगे और 0.5 का एडिशन भी कर देंगे। तो ये जो आएगा यहाँ से यहाँ गुणा होगा, 7 5 35, ये 35 हो जाएगा और पॉइंट लग जाएगा, और ये 0.5 है, ये प्लस होगा 0.5, तो नया आ जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 3 1 4 हो जाएगा। अभी यहाँ 4 आया, अभी नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, यहाँ भी 4 है, तो नंबर 3 ये करेक्ट आया। तो उसके बाद अभी फिर से इसके आगे का इसमें ऐड करेंगे 0.5। तो अब की इसके आगे के नंबर को निकालने के लिए 5 को अभी इसमें 0.5 बढ़ा देंगे, और तो 0.5 इसमें और बढ़ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। अगर 1 हुआ है तो 1 से इसमें एडिशन भी होगा। तो इसके पहले वाले 7 में क्या हुआ था, 0.5 का गुणा हुआ, 0.5 का एडिशन हुआ। अब उसके बाद क्या होगा, 0.5 बढ़ गया, हम 0.5 में 0.5 और ऐड हो गया, तो अभी क्या होगा, 1 से गुणा होगा, 1 ऐड होगा, तो इसमें 1 से गुणा कर देंगे और 1 ऐड कर देंगे, तो इतने का पूरा आंसर 4 ही आएगा। और उसके बाद 1 जब इस पे ऐड होगा तो ये बराबर हो जाएगा 5। तो इसके बाद का जो अंक हो मिलना चाहिए 5, तो यहाँ पर 5 है, तो इस तरह से करेक्ट है। उसके बाद क्या करेंगे, 1 है, 1 में अभी फिर 0.5 ऐड करेंगे, तो 1.5 हो जाएगा, फिर 1.5 का एडिशन भी होगा। तो अभी इसमें करते हैं 1.5 इसमें गुणा होगा, फिर 1.5 का एडिशन होगा, तो इसके बराबर जो आएगा वो वहाँ पर लिखेंगे। 5 5 25, इतने का पूरा पहले देखते हैं, 5 5 25 की 5 5 1 5 5 5 6 7, और इकाई अंक पे दशमलव का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद प्लस में जो है उसे भी ऐड करना है, तो ये 5 5 10, 10 की 0, 5 5 10 10 की 0, उसके बाद 7 1 8 8 1 9, तो यहाँ पर 9 मिला। अभी आगे देखते हैं क्या है, ये 9 है, तो इस तरह से यहाँ पर 9 है, तो वहाँ पर भी 9 है, तो करेक्ट है। अब उसके आगे का देखते हैं, अभी 0.5 इस पे और प्लस जुड़ जाएगा, 0.5 जितना आगे जाएंगे उतना 0.5 इसमें जुड़ता जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 का एडिशन भी होगा। अभी इस पे क्या होगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 का एडिशन होगा, तो जो आंसर आएगा वो आगे लिखेंगे।
नौ दूना 18 हो जाएगा, प्लस 2 इसमें जुड़ेंगे तो जो आएगा 20 आएगा, तो 20 यहाँ लिखेंगे, 20 यहाँ पर है तो ये करेक्ट है। तो अभी इसके बाद जो एडिशन होगा, यहाँ 0.5 ऐड होगा, प्लस इसमें भी 0.5 ऐड होगा, तो अभी यहाँ पर जी 2 पॉइंट जो आएगा वहाँ से 2.5 प्लस 2.5 ऐड हो जाएगा, इन दोनों का गुणा होगा और ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये 0 पहले उतार लेते हैं, उसके बाद 5 दूना 10, 5 ये चाहे यहाँ से करो चाहे इस तरफ से करो, 5 दूना 10 या 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, और 1 इकाई अंक दशमलव है तो 1 इकाई अंक दशमलव यहाँ लग जाएगा, उसके बाद 2.5 ऐड होगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पॉइंट है तो ये हो जाएगा 52.5, 52.5 हो जाएगा। अभी 52.5 यहाँ पर भी होना चाहिए तो यहाँ पर नहीं है, तो यही नंबर रॉन्ग है इसमें। आगे भी चेक कर लेते हैं, आगे आएगा 2.5 में 0.5 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 3 गुणा होगा और 3 ऐड होगा, तो इसमें 3 का गुणा होगा, 3 एडिशन होगा, तो जो आएगा पहले इन दोनों का गुणा करते हैं, 5 तिहाई 15 और यहाँ से लेकर आएगा 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, उसके बाद इकाई अंक का दशमलव यहाँ लिख देंगे और प्लस 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 157 में 3 ऐड होगा तो 160.5, तो यही आना चाहिए 160.5। तो अभी यही पद गलत है, तो अभी से जो ऑड नंबर है यही है, यहाँ पर होना चाहिए 52 दशमलव 5, तो इस तरह से ये भी करेक्ट हो गया। अभी नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसे तब तक ही रीच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, अभी इसको भी यहाँ पर हल करते हैं और इस पे क्या हो रहा है ये देखिए, 5 5 के बाद 6 हुआ तो इस पे विषम संख्याओं का क्यूब चल रहा है, तो विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 है, उसके बाद क्या है 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 11 है, इन सब का निकाल लेते हैं। एक का विषम संख्या एक ही हो जाएगा, एक विषम संख्या का क्यूब एक होगा, 3 का 3 3 9 9 3 27, 5 5 25 25 5 125, सात का 343, 9 का 729, 11 का 1331, ये विषम संख्या के वर्ग क्यूब हैं, विषम संख्या के क्यूब, तो इसमें क्या हो रहा है ऐड हो रहे हैं, विषम संख्या के जो क्यूब हैं वो ऐड हो रहे हैं, तो किस तरह से ऐड होते हैं देखते हैं। 5 में विषम संख्या को
ऐड करेंगे पहले वाले में तो 6 आ जाए आ गया। अभी देखते हैं 6, ये देखिए इसमें भी 6 है। अभी अगली संख्या में 27 ऐड होगा, 27 6 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 और 2 1 3, तो अगली संख्या 35 मिलना चाहिए, तो यहाँ पर 35 है। अभी ये ऐड हो गया, ये हो गया, अभी 125 ऐड करेंगे, 125 इस पे जब ऐड करेंगे तो अगली संख्या मिलनी चाहिए 5 3 8, उसके बाद 3 2 5 और 1, तो अगली संख्या 158 होनी चाहिए, तो 158 है, करेक्ट है। तो अगला ऐड करेंगे 343, तो जो मिलेगा वो अगली संख्या होगा 8 8 3 11 हो जाएगा और 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 5 4 9 हाँ से लेकर आया था, 1 10 हो गया, 3 4 1 5 हो गया 501, तो अगली संख्या 501 होनी चाहिए, है 501 है। उसके बाद देखते हैं कौन सी संख्या गलत है। अभी ये ऐड हो गया, अभी ये ऐड करते हैं 729, 729 ऐड होगा इसमें, तो 9 1 10 हो जाएगा, 10 की 0 और 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 और 7 5, 7 5 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा यहाँ पर, बारह सौ तीस आएगा, तो यहाँ पर 1230 नहीं है, यानी ये गलत है। अब अगली संख्या को चेक करना है, 1331 को ऐड करना है, जीरो और एन में ऐड होगा, 1 होगा, उसके बाद 3 3 6 हो जाएंगे, 3 3 2 3 2 5 हो जाएगा, 0 3 3 6 3 2 5 1 2 1 3 हो जाएगा, सॉरी 3 3 2 5 1 1 2 हो जाएगा, 2500। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 हो जाएगा, 3 2 5, तो इस तरह से 2561 ये करेक्ट है। तो जो गलत है, जो ओड नंबर थी वो था 1320 ओड है, तो अभी इसे लिख देते हैं कितना आएगा, 1230, तो इसमें आएगा 1230, तो इस तरह से ओड नंबर ये निकल के आ गया। अब अगली संख्या को देखते हैं, सॉरी ये जो अगला क्वेश्चन है इसे हल करते हैं, तब तक इसे इरेज कर देते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इसमें दिया है 828 424 220 116 33, तो यहाँ पर फाइंड करना है कि अंक यहाँ पर कौन सा आएगा। तो सबसे पहले इन दोनों में देखते हैं अंतर आधे का है, तो इसका सबसे पहले आधा कर देते हैं, 828 का आधा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 4 8 2 1 2 2 4 8, उसके बाद एक कम है लगभग, तो इसमें 10 ऐड कर देते हैं, 10 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा
424। तो इस तरह से करने से हमें नेक्स्ट अंक जो है वो मिल जा रहा है। तो हम इस पे एक रूल कर देते हैं, पहले इस पे 2 से भाग देंगे यानी 1/2 का गुणा कर देते हैं, फिर इस पे 10 ऐड कर रहे हैं यानी 10 ऐड कर रहे हैं। तो इसका एक रोल कर देते हैं, जब इतना ऐड किए हैं 10, तो एक ये सीक्वेंस से आएगा, तो इसमें भी वही रोल होगा, 1/2 का गुणा यानी आधा कर देते हैं। इसे आधा कर देते हैं, उसके बाद इसमें 8 किए हैं, तो इस पे सम संख्याओं का, छोटी सम संख्याओं का घटता हुआ क्रम करते हैं। तो छोटी सम संख्या यहाँ से कर सकते हैं, तो यहाँ से हम कर रहे हैं, यहाँ से पहले घटता हुआ क्रम लिख देते हैं। तो इस पे 10 है, तो इस पे क्या होगा, इस पे आ जाएगा 8, ये प्लस होंगे, इसको मिटा के सही कर देते हैं। अब इस पे प्लस होगा, प्लस 8 का, तो अभी इतना हुआ। अभी इसको आधा करते हैं, 424 का आधा जब करेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और इस पे अभी ऐड कर देंगे 8, 8 को ऐड कर देंगे, तो जो निकल के आएगा 220। तो नेक्स्ट जो अंक है वो 220 आ गया। तो अभी इस पे 10 ऐड हुआ, इस पे 8 ऐड हुआ, तो अभी इस पे भी वही प्रक्रिया होगी, 1/2 का गुणा, उसके बाद 8 के बाद जो सम संख्या आती है घटते क्रम में वो आएगी 6। सम संख्या लेना है, विषम संख्या नहीं लेना है। तो 8 के जो पहले आती है, सॉरी बाद नहीं, जो पहले आती है वो 6 आती है। तो अभी 220 का आधा करेंगे, तो 220 का आधा 110 प्लस ऐड करना है 6, तो 6 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 116। तो नेक्स्ट आएगा 116। अभी इसमें भी वही प्रक्रिया होगी, 1/2 का गुणा यानी आधा करेंगे, उसके बाद 6 के पहले की सम संख्या घटता हुआ क्रम, तो इसमें आएगा प्लस 4। तो 16 का आधा करेंगे, यहाँ पर कर देते हैं 116/2, तो इसका आधा हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 8 16, उसके बाद प्लस 4, तो बराबर हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा 8 4 12, 12 की 2 5 1 6, तो आ जाएगा 62। तो रिक्त स्थान पे आएगा 62। अभी नेक्स्ट इसको भी चेक कर लेते हैं, इस पे गुणा होगा, फाइनल चेकिंग प्लस 2 का, तो अभी 62/2 बराबर 2/3 6 1/2, और प्लस होगा इस पे 2 का, तो बराबर आ जाएगा 33। तो नेक्स्ट मिलना चाहिए हमें 33। तो इस तरह से फाइनल आंसर आ गया। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।